जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा, कानून के पकड़ में आएगा तो जेल जाएगा जाएगा। इससे अधिक तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में मीसा भारती डाल देंगे तो हंसने वाली बात है। और इस प्रकार की बात करके देखिए, ये जो अपोजिशन है, आज का जो विपक्ष है, दिशाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालिन, नवीन पटनायक, पता नहीं कितने सारे नेता एक मंच पर हैं और एक तरफ अकेला मोदी है। तो आपको नहीं लगता है कि मोदी इस बार हार जाएंगे? मीसा भारती को चुनाव लड़ना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस कंस्टिट्यूंसी से खड़ी हैं, दो दो बार हार चुकी हैं, जनता ने उनको दो दो बार रिजेक्ट किया है, इस बार भी वैसी ही स्थिति बन रही है। तो लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि विपक्ष इतना कमजोर ना हो। उन्होंने जो गलत किया है, जो भ्रष्टाचार किया है और कानून के पकड़ में आ गए हैं, अब उससे बचने के लिए एक बार तो उनका यह हाहाकार है, ये रुदन है, और इस रुदन में से ही जो आवाज निकल रही है, जनता उस पर सुन करके और जनता की जो प्रतिक्रिया है वो साफ नजर आ रही है। जनता कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब मीसा भारती, देखिए उनके परिवार के लोग और उन पर भी तलवार लटक रही है, सजायाफ्ता है, जेल में है, हेल्थ ग्राउंड पर बाहर है, तो उन लोगों के दिमाग में तो जेल ही है। नरेंद्र मोदी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जगह बना लिया है। अब मैं नहीं समझता हूं कि अब जगह खाली है, कोई वैकेंसी नहीं, कोई जगह उनकी जनता के दिल में, हमने मैं नहीं समझता कि कोई जगह खाली है। अगर खाली है तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। ये सब मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, अब वो कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी कहते हैं बेरोजगारी हटाओ और वो कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी विकास के सवाल खड़ा कर रहे हैं और विकास को, देश को उस विकास के रास्ते पर, जो विकास की गाड़ी है, तेजी से मोदी चला रहे हैं और देश विकास की तरफ जा रहा है। मोदी कहते हैं देश को विश्व में सम्मान मिलना चाहिए, वो कहते हैं मोदी हटाओ। कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, जेल में जाएंगे। एक एक भ्रष्टाचारी जो नजर में आएंगे, जो पकड़ में आएंगे कानून के, वो जेल जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भाजपा को खुला चैलेंज दिया है। देखिए, साफ तरीके से मीसा भारती ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता जेल में होंगे। जी हां, ऐसा कहना है लालू यादव की बेटी मीसा भारती का। देखिए, मीसा भारती चुनावी मैदान में है, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही है, पहले भी लड़ चुकी है और कई बार हार भी चुकी है, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिल जाता है और इस बार भी लालू यादव ने अपनी बेटी को टिकट दिया है। और सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि एक और बेटी को दिया है, रोहिणी आचार्या को, सारण लोकसभा सीट से वो भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब मीसा भारती ने यह बयान दिया तो उसके बाद एनडीए में खलबली मच गई, तमाम बीजेपी के नेता में जो चर्चाएं हैं वो होने लगी कि मीसा भारती का यह बयान कहीं भी जायज नहीं है और तमाम बीजेपी के नेता भी मीसा भारती को अपने अपने तरीके से चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। बातचीत करेंगे कि मीसा भारती के इस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। मीसा भारती ने कहा कि चैलेंज ही दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी सर तो मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जो है वो जेल में होंगे। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो तो यही कहते हैं ना, हम सभी कहते हैं एक ही बात कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, जेल में जाएंगे। एक एक भ्रष्टाचारी जो नजर में आएंगे, जो पकड़ में आएंगे कानून के, वो जेल जाएंगे। बिल्कुल। अब मीसा भारती, देखिए उनके परिवार के लोग और उन पर भी तलवार लटक रही है, सजायाफ्ता है, जेल में है,
हेल्थ ग्राउंड पर बाहर है तो उन लोगों के दिमाग में तो जेल ही है, सबको जेल में डालेंगे। आपने भ्रष्टाचार किया तो आप जेल गए, और हम तो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा, कानून के पकड़ में आएगा तो जेल जाएगा जाएगा, इससे अधिक तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में मीसा भारती डाल देंगे तो हंसने वाली बात है। और इस प्रकार की बात करके देखिए, ये जो अपोजिशन है, आज का जो विपक्ष है, दिशाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जितनी जो जन समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं को तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, उनके लिए बचा क्या है? सही बात। और उनका समाधान भी हो रहा, तो भारतवर्ष की जो बहुमत जनता है, अधिसंख्य जनता मतदाता के रूप में प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, तो बौखलाहट है। और उस बौखलाहट में जब उनका जेल हुआ तो बाकी लोगों का भी जेल हो जाए, तो इस प्रकार के हास्यास्पद बयानों पर हम तो समझते हैं कि बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीसा भारती को चुनाव लड़ना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस कंस्टिट्यूंसी से खड़ी हैं, दो दो बार हार चुकी हैं, जनता ने उनको दो दो बार रिजेक्ट किया है, इस बार भी वैसी ही स्थिति बन रही है, तो लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि विपक्ष इतना कमजोर ना हो, लोकतंत्र को मजबूती मजबूत विपक्ष से भी मिलती है। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष भी ठीक से चुनाव लड़े, विपक्ष की चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने बनी रहनी चाहिए, ये लोकतंत्र के ये दोनों पहिया हैं, और तब गाड़ी ठीक चलती है। हमारी भी शुभेच्छा है कि वो एक मजबूत लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका लोग निभाएं। लेकिन इस प्रकार के भूल जरूर अनाप शनाप बात करने से थोड़े जनता के दिल में जगह बनेगी। जनता के दिल में तो पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जगह बना लिया है। अब मैं नहीं समझता हूं कि अब जगह खाली है, कोई वैकेंसी नहीं, कोई जगह उनकी जनता के दिल में हमने, मैं नहीं समझता कि कोई जगह खाली है। अगर खाली है तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। ये सब वो तो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी जो है वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप है मोदी जी। तो लड़ाई तो इसी बीच है ना, जनता किसके साथ खड़ी है और कैसे क्यों नहीं खड़ी होगी। मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, अब वो कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी कहते हैं बेरोजगारी हटाओ, और वो कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी विकास के सवाल खड़ा कर रहे हैं और विकास को, देश को उस विकास के रास्ते पर, जो विकास की गाड़ी है, तेजी से मोदी चला रहे हैं और देश विकास की तरफ जा रहा है। मोदी कहते हैं देश को विश्व में सम्मान मिलना चाहिए, वो कहते हैं मोदी हटाओ। तो जनता तो इस बात को समझ रही है, देख रही है, और इस प्रकार के नकारात्मक भाव से विपक्ष ने रोज अपना नुकसान किया है और आगे रोज उनका नुकसान हो रहा है। और मतदाता हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोज उनके खिलाफ हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, जनता, पूरे भारत की जनता, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक का पूरा भारतवर्ष आज एक साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अंतिम सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नवीन पटनायक, पता नहीं कितने सारे नेता एक मंच पर हैं और एक तरफ अकेला मोदी है, तो आपको नहीं लगता है कि मोदी इस बार हार जाएंगे? नवीन पटनायक उनके मंच पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों का और जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनकी तो मजबूरी है एक मंच पर रहने की, क्योंकि वो जेल के अंदर है या जेल के दरवाजे पर है, कानून के शिकंजे में फंसे हैं, उनकी गर्दन फंसी है, तो ऐसे में विपत्ति काल में वो एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन वो किस लिए एक हुए हैं,
उन्होंने जो गलत किया है, जो भ्रष्टाचार किया है और कानून के पकड़ में आ गए हैं, अब उससे बचने के लिए एक बार तो उनका यह हाहाकार है, ये रुदन है, और इस रुदन में से ही जो आवाज निकल रही है जनता उस पर सुन करके, और जनता की जो प्रतिक्रिया है वो साफ नजर आ रही है। जनता कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब वोट का कहां सवाल है, वोट तो जनता की सेवा करेगा, सेवक के रूप में सामने खड़ा है, उसको देंगे। चलिए ठीक है, तो साफ तरीके से देश में बीजेपी के पक्ष में जनता है, मोदी लहर चल रही है देश में, और ऐसे में जिस तरीके से मीसा भारती ने बयान दिया है उसको लेकर भी देश की पॉलिटिक्स में गर्माहट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन मीसा भारती को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि उनके पिता चपरासी क्वार्टर से महलों के राजा कैसे बन गए। मीसा भारती को ये भी बताना पड़ेगा जिस लालू यादव चपरासी क्वार्टर में काम किया करते थे वो लालू यादव आज शहंशाह बने हुए हैं, वो कैसे हुआ मीसा भारती को ये भी बताना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की इतनी कम उम्र में है और इतनी कम उम्र में तेजस्वी यादव करोड़ों के मालिक बन गए, वो कैसे बन गए मीसा भारती को यह भी बताना पड़ेगा। फिलहाल जो भी हो तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जनसंघ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।